आरडी पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम फैक्ट को रटें, फैक्ट रटना नहीं है। आज मार्केट में ऐसे तो तमाम बुक्स हैं, आप उनको पढ़ लीजिएगा। तो एनसीईआरटी हमको फैक्ट के लिए थोड़ी नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी क्यों है पहले हमको ये समझना बहुत पड़ेगा। भाई, ये आपने बहुत अच्छा वो किया कि क्यों पढ़ना जरूरी है। बहुत तो जब तक हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि एनसीईआरटी हमको पढ़नी क्यों है, बहुत तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। बहुत आप अब मारो आप ये मान के चलिएगा कि हमको कोई बीमारी है जी। और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर जब तक ये पता नहीं कर पाएगा कि बीमारी क्या है और उस बीमारी के लिए जो दवा देनी है वो दवा देनी है या नहीं देनी है, बहुत क्यों देनी है, कब देनी है, कैसे देनी है। ये जो झोला छाप डॉक्टर की बात कहते हैं, एक झोला छाप डॉक्टर होता है, एक एक्सपर्ट डॉक्टर होता है, दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर यही है कि झोला छाप डॉक्टर क्या करेगा, किसी बच्चे को तेज बुखार आया, पेरेंट्स बच्चे को लेकर के जाएंगे, वो देखेगा बुखार आ रहा है तेजी से, वो झट से इंजेक्शन लगा देगा। जो एक्सपर्ट डॉक्टर वो ऐसी हरकत नहीं करेगा, नहीं वो आपने जानता है कि इंजेक्शन नुकसान करेगा। बहुत तो ठीक वही है कि एनसीईआरटी हमको पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, इससे पहले हमें ये समझना होगा कि एनसीईआरटी पढ़नी क्यों है। क्यों है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी पढ़नी क्यों है। एनसीईआरटी हमको इसलिए पढ़नी होती है, किसी भी बच्चे को इसलिए पढ़नी होती है क्योंकि एनसीईआरटी किसी भी बच्चे का बेस तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो समुचित साधन है आपका। जी हाँ, यस बहुत बढ़िया आप एक बात मुझे बताइएगा, आपके पास जमीन है नहीं जी। और आप ये कहें कि मुझे मकान बनवाना है, यस यस सर। मेरा नक्शा बना दीजिएगा और आप ठेका ले लीजिएगा और मकान बना दीजिए, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा ना, आपके पास जगह कितनी जगह है, कितनी है। बस कहाँ पर है। आप कहोगे कि आप जगह तो नहीं है, बहुत बढ़िया अब जगह नहीं है तो मकान कहाँ बनाएंगे। बहुत आपको जो नक्शा बना करके दिया जाएगा, कितनी जगह का बना करके दिया जाए, कैसे बना करके दिया जाए, अब ये तो नहीं कहा जाएगा कि आप जगह मत खरीद दीजिए, अब 100 गज में बनना है तो ऐसे नक्शा बना लेना, ये कर लेना, ये। लेकिन उसको अप्लाई तो तभी करोगे ना जब जमीन यस होगी। यस तो एनसीईआरटी हमारा जमीन का काम करती बहुत है। बढ़िया बहुत यूं तो जब एकेडमिक एजुकेशन होती है किसी भी बच्चे की, तो उस एकेडमिक एजुकेशन में बच्चा जो है ना 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक एनसीईआरटी ही पढ़ रहा होता बहुत है। बढ़िया लेकिन उस समय जो उसने एनसीईआरटी पढ़ी होती है उसमें, और सिविल सर्विसेज की तैयारी करते समय आपको जो एनसीईआरटी पढ़नी है उसमें जमीन आसमान बहुत का बढ़िया। अंतर डिफर होता है। ह्यूज डिफर जी हाँ, क्योंकि 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चे को जब एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, तब उसको ग्राउंड तैयार करके नहीं पढ़ाई जाती है, उसको बस फैक्ट पढ़ाए जाते हैं, ये घटना हुई थी, इस समय हुई थी और इन इन लोगों के बीच में हुई थी, लेकिन घटना का बैकग्राउंड क्या है, यस घटना हुई क्यों थी, घटना का परिणाम क्या रहा, और वो जो घटना हुई थी किस वजह से हुई थी, उस समय क्या परिणाम रहा, और उस घटना का आज कितना रिलीवेंस है, वो आज कितना प्रासंगिक है, क्या उस घटना का आज भी कोई संबंध है या नहीं है। अब ये जब कोई बच्चा एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहा होता है एकेडमिक एजुकेशन में 6th से 12th तक, उस समय बच्चे का दिमाग इतना डेवलप नहीं होता है कि वो इन सब चीजों को समझ सके। बहुत लेकिन जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, तब आप मेंटली इतने परिपक्व होते हैं कि आप ये सोच सकते हैं कि ये जो घटना हुई थी, घटना क्यों हुई, बढ़िया क्या इस घटना को रोका जा सकता था, रोका जा सकता था तो कैसे रोका जा सकता कैसे था। तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना, तब
तब आप सवाल करेंगे उसमें, और बढ़िया। जब सवाल करेंगे वो सवाल करने के बाद जब आंसर तुम्हारे दिमाग से निकलेंगे, वो वाह 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 होता वाह, है एनसीईआरटी यस की यस यस, पढ़ाई सूत्र लाइए। करना। आपने बहुत ही सूक्ष्म रूप में, बहुत थीसिस के रूप में आपने ये बच्चों को बहुत अच्छा गाइड किया। बाकी मैं कुछ नहीं। कोचिंग से कोचिंग ले रहे हैं, उसने एनसीईआरटी को समरफ करके एक बुक निकाल दी है, आप उसको पढ़ लीजिए, उसी से काम चल जाएगा। एक्चुअली में उन्होंने जो बुक निकाली है और जो समरफ किया है 6th से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी को, उन्होंने जो समरफ किया है वो फैक्ट को समरफ किया है एग्जैक्टली कि क्या 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 फैक्ट रहे थे, कौन कौन से मसले थे, जो मुख्य बिंदु हैं, जो फैक्ट हैं, उनको उन्होंने समरफ कर दिया है। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम फैक्ट को रटें, फैक्ट रटना नहीं है। आज मार्केट में ऐसे तो तमाम बुक्स हैं, आप उनको पढ़ लीजिएगा, तो एनसीईआरटी हमको फैक्ट के लिए थोड़ी नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़नी क्यों है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा। बहुत भाई, यही आपने बहुत अच्छा वो किया कि क्यों पढ़ना जरूरी है। बहुत तो जब तक हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि एनसीईआरटी हमको पढ़नी क्यों है, बढ़िया, तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। बहुत बहुत आप मारवाड़ी ये मान के चलिएगा कि हमको कोई बीमारी है जी। और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर जब तक ये पता नहीं कर पाएगा कि बीमारी क्या है और उस बीमारी के लिए जो दवा देनी है वो दवा देनी है या नहीं देनी है, क्यों देनी है, कब देनी है, कैसे देनी है। ये जो झोला छाप डॉक्टर की बात कहते हैं, एक झोला छाप डॉक्टर होता है, एक एक्सपर्ट डॉक्टर होता है, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यही है कि झोला छाप डॉक्टर क्या करेगा, किसी बच्चे को तेज बुखार आया, पेरेंट्स बच्चे को लेकर के जाएंगे, वो देखेगा बुखार आ रहा है तेजी से, वो झट से इंजेक्शन लगा देगा। जो एक्सपर्ट डॉक्टर वो ऐसी हरकत नहीं करेगा, नहीं वो आपने जानता है कि इंजेक्शन नुकसान करेगा। बहुत तो ठीक वही है कि एनसीईआरटी हमको पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, इससे पहले हमें ये समझना होगा कि एनसीईआरटी पढ़नी क्यों है। क्यों है, बहुत बढ़िया, बहुत तो मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी पढ़नी क्यों है। जी। एनसीईआरटी हमको इसलिए पढ़नी होती है, किसी भी बच्चे को इसलिए पढ़नी होती है क्योंकि एनसीईआरटी किसी भी बच्चे का बेस तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो समुचित साधन है आपका, जी हाँ, यस बहुत बढ़िया आप एक बात मुझे बताइएगा, आपके पास जमीन है नहीं जी। और आप ये कहें कि मुझे मकान बनवाना है, यस यस यस, मेरा नक्शा बना दीजिएगा और आप ठेका ले लीजिएगा और मकान बना दीजिए, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा ना, आपके पास जगह जगह कितनी है, कितनी है। कहाँ पर है? आप कहोगे आप जगह तो नहीं है, बहुत बढ़िया, अब जगह नहीं है तो मकान कहाँ बनाएंगे? बहुत आपको जो नक्शा बना करके दिया जाएगा, कितनी जगह का बना करके दिया जाए, कैसे बना करके दिया जाए, अब ये तो नहीं कहा जाएगा कि आप जगह मत खरीदिए जी, अब 100 गज में बनना है तो ऐसे नक्शा बना लेना, ये कर लेना, ये। लेकिन उसको अप्लाई तो तभी करोगे ना जब जमीन यस यस, होगी, तो एनसीईआरटी हमारा जमीन का काम करती बहुत है। बढ़िया, बहुत यूं तो जब एकेडमिक एजुकेशन होती है किसी भी बच्चे की, तो उस एकेडमिक एजुकेशन में बच्चा जो है ना 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक एनसीईआरटी ही पढ़ रहा होता बहुत है। बढ़िया, लेकिन उस समय जो उसने एनसीईआरटी पढ़ी होती है उसमें, और सिविल सर्विसेज की तैयारी करते समय आपको जो एनसीईआरटी पढ़नी है उसमें जमीन आसमान बहुत का बढ़िया, अंतर डिफर होता है। ह्यूज डिफर, जी हाँ, क्योंकि 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चे को जब एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, तब उसको ग्राउंड तैयार करके नहीं पढ़ाई जाती है, उसको बस फैक्ट पढ़ाए जाते हैं, ये घटना हुई थी, इस समय हुई थी, और इन इन लोगों के बीच में हुई थी, लेकिन घटना का बैकग्राउंड क्या है, यस, घटना हुई क्यों थी, घटना का परिणाम क्या रहा, और
वो जो घटना हुई थी किस वजह से हुई थी, उस समय क्या परिणाम रहा, और उस घटना का आज कितना रिलीवेंस है, वो आज कितना प्रासंगिक है, क्या उस घटना का आज भी कोई संबंध है या नहीं है। अब ये जब कोई बच्चा एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहा होता है एकेडमिक एजुकेशन में 6 से 12 तक, उस समय बच्चे का दिमाग इतना डेवलप नहीं होता है कि वो इन सब चीजों को समझ सके। लेकिन जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तब आप मेंटली इतने परिपक्व होते हैं कि आप ये सोच सकते हैं कि ये जो घटना हुई थी, घटना क्यों हुई, क्या इस घटना को रोका जा सकता था, रोका जा सकता था तो कैसे रोका जा सकता था। तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना, तब आप सवाल करेंगे उसमें, जब सवाल करेंगे और सवाल करने के बाद जब आंसर तुम्हारे दिमाग से निकलेंगे, वो होता है एनसीईआरटी। ये आपने बहुत ही सूक्ष्म रूप में, बहुत के रूप में आपने ये बच्चों को बहुत अच्छा गाइड किया। बाकी मैं प्रश्न सुनूंगा।